रावी नदी पर निर्माणाधीन कुठेड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र के लोगों ने मंगलवार को ठप करवा दिया है। खनी वार्ड के परिषद सदस्य अनिल ठाकुर की अगुवाई में ये कदम उठाया है। जिला परिषद सदस्य ने दो टूक कहा है कि कंपनी की ओर से निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कड़ा रुख अपनाया जाएगा। जिला परिषद सदस्य का कहना है कि मांगों को लेकर उपायुक्त चंबा और एडीएम भरमौर को ज्ञापन सौंपा था, बावजूद इसके अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते अब काम को ठप करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उधर प्रोजेक्ट की सभी साइट पर काम ठप करवाने के बाद कई जगह पुलिस की मदद से काम चलाने के प्रयास किए गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर काम बंद करवा दिया। आपके पास ना डिसीजन लेने की शक्ति है ना लोगों को डील करने की शक्ति है। देखिए, बहुत लंबे समय से जब से ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है तब से यहाँ के स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। उनकी विभिन्न प्रकार की मांगे हैं, कई बार लोगों ने आंदोलन के माध्यम से कई प्रकार के कई इनके साथ इनकी कई समझौते इनके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो जो क्लाइंट कंपनी है JSW ना उसके ऊपर जू रेंग रही है और ना जो उनके अंडर दो कंपनियां जो काम कर रही हैं भूमि और एंजलिका। एक तो कंपनी कर्मचारियों की नियुक्तियों में जो धांधली हो रही है उसको लेकर हमारा जो है वो सख्त रुख है और हमने इसकी नाराजगी पहले भी जताई है। दो बार मैं इनको जो पत्राचार में कर चुका हूँ और अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले मैंने माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से कंपनी को भी और माननीय हमारे अतिरिक्त दंडाधिकारी के माध्यम से भी कंपनी को मैंने ये वार्न किया था कि अगर एक हफ्ते के अंदर आप हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो समस्त क्षेत्रवासी जो है वो कंपनी की सारी साइटों को बंद करेंगे। दूसरा, ये जो हमारी मुख्य मांगे हैं इसमें रोजगार, दूसरा रोजगार के साथ हमारे स्थानीय लोगों को काम और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार जो दिए जाते हैं, चाहे किसी को होटल के माध्यम से हो, किसी को मेस के माध्यम से हो, किसी को अन्य माध्यम से रोजगार हो, वो सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, JSW कंपनी इतनी भारी धांधली कर रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जगह जगह सड़क किनारे मक फेंक दिया है, पूरी सड़कें खराब कर दी हैं। आप जानते हैं 25 करोड़ का टेंडर हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने इसके आधारशिला रखी थी, ठीक है, और इस टेंडर होने के बावजूद यहाँ पर जगह जगह गड्ढे डाल के रख दिए कंपनी। एक तरह से ठेकेदार काम करके जा रहा है, PWD रोड बनाई जा रही है और कंपनी अपना मग फेंक रही है। बार बार कंपनी को बोलने पर इवन कंपनी ने ग्रोला में अस्पताल के पास जो नाला है कम से कम सैकड़ों पेड़ों को मलबे के नीचे दबा दिया है, कोई किसी प्रकार की इन्होंने परमिशन नहीं ली है। इस तरह की अनियमितताएं, इस तरह की धांधली मैंने उपायुक्त महोदय के ध्यान में लाई है और मैं आपके माध्यम से ये मैं मांग करता हूँ माननीय उपायुक्त महोदय से और अपनी सरकार से कि इन विषयों पर तुरंत संज्ञान लिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो लोगों को दी जाने वाली सहूलतें हैं, CSIR का जो बजट है वो हमारे क्षेत्र में कितना खर्च हुआ। जब स्टार्टिंग में इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करना था तो इन्होंने हर जगह डॉक्टर भेजे, कई जगह स्कूलों में अध्यापक रखे और जो है सफाई कर्मचारी रखे, एक शौचालय तक ये लोग अपने यहाँ बना नहीं पाए हैं। हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, मैं खुद पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव हूं और हम लोगों ने इनको इतनी बार कहा है कि हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या रुझान है, इतना हमने पत्राचार किया है। उलंसा में इन्होंने 30 लाख का एक शिलान्यास करा दिया और आज 3 महीने बीत जाने के बाद एक ईंट का इनका काम शुरू नहीं होता है। जिस दिन इनका काम बंद करते थे उस दिन उनको तुरंत जो है वो अपने सारे काम दिखते हैं, लेकिन जनता के भरने वाले लोग हैं, मैं खुद पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव हूं और हम लोगों ने इनको इतनी बार कहा है कि हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या रुझान है, इतना हमने पत्राचार किया है। उलंसा में इन्होंने 30 लाख का एक शिलान्यास करा दिया और आज 3 महीने बीत जाने के बाद एक ईंट का इनका काम शुरू नहीं होता है। जिस दिन इनका काम बंद करते थे उस दिन उनको तुरंत जो है वो अपने सारे काम दिखते हैं, लेकिन जनता के बारे में JSW का ये रुख बिल्कुल ठीक नहीं है और हमारी लड़ाई जनता के हित के लिए है, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ जो ठेकेदारी करने यहाँ आया हूँ, मैं अपने जनता की सेवा करने के लिए यहाँ लोगों ने मुझे चुना है और उसमें मेरी जो जिम्मेवारी जनता के प्रति बनती है उसमें मैं हरगिज किसी को नहीं बख्शूंगा। अभी तो हम लोग यही है कि प्रोजेक्ट काम हमारा बंद रहेगा जब तक ऑन टेबल सारे कंपनी के प्रतिनिधि है, चाहे JSW के हैं, चाहे दोनों कंपनी के हैं जो इनके अंडर काम कर रही भूमि है या फिर एंजलिका है, और हमारे कुछ पंचायतों के प्रतिनिधि हैं और हमारे जो ये एक्टिविस्ट हैं इनके बीच में हम लोग बैठ के जब इनसे ऑन टेबल बात होगी तो हमारी शर्तें वो मांगते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बने,
हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 4 लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए, एक क्षेत्र के विकास में लगना चाहिए, ये हमारी मांग है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।